हे हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी 26 रजब के दिन कुछ अफ्तार के लिए हल्का फुल्का। तो ये चीला बन रहा है, आप इसको पपरा भी बोलते होंगे और मेरे घर में भी पपरा ही बोला जाता है। तो ये मीठा होता है और बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, लाइक बस शुगर और व्हीट फ्लोर आपको चाहिए और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है वाटर के साथ और ये फ्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। ये मेरे दादा की फेवरेट रेसिपी थी या फेवरेट स्नैक जो भी था, शाम में हमेशा दादा के लिए बनता था जब दादा थे। तो तो अफ्तार वगैरह हो गया था, डन। फिर हम चले गए थे छत पे रैबिट्स को खाना देने के लिए। दूध और रोटी हम रात में खाना देते हैं और खाना खाते ये खुशी में मेरे हाथ को भी काट ली थी एक फीमेल रैबिट है जो गोला नाम है उसका, और ये अच्छे दिन पे काटी थी। एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है अभी और असाइनमेंट भी बनाना था, तो वो सब हम बहुत रात हो गई थी कम्प्लीट करते करते, तो 2 दिन पूरा हमको कंटिन्यू लग गया था। सो फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया और अराउंड 4 o'clock हम सोए थे और उसके बाद फिर हम 6 या 7 o'clock उठ गए थे और फिर हमको जाना था एग्ज़ाम में। इसी भी तरह हम रफली बस अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि सबमिट करना था आज ही के दिन सुबह में। सहरी हम रमज़ान में भी नहीं करते हैं, बस पानी वानी पी लेते हैं, बट ये रोज़ा नफिल होता है और कहते हैं घर पे लोग कि नफिल रोज़ा में कुछ खा कर ही रोज़ा रह जाता है, तो बस हम दूध और बिस्किट लिए थे। और हम घर आ गए थे और 27 रजब को अम्मी ये बनाई थी फातिहा दिलाने के लिए, खीर है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा भी अच्छा से निकल गया आज और एग्ज़ाम भी मेरा हो गया, प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम हो गया और फिर हम रोज़ा खोले और चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।